All right. I can see section 2 is very attentive. Section 1 is very attentive. Section 4, I would suggest them please settle down fast. Don't move. Beta, all of you are very familiar with the word cone. आइसक्रीम कोन आप खाते हो, सॉफ्टी जिसको बोलते हो आप, ठीक है। फनल आपने लेबोरेटरी में देखी होगी, फनल यूज करते हो, ठीक है, कुछ पोर करने के लिए, कुछ सीप करने के लिए। बर्थडे कैप्स विच आर वेरी फैमिलियर टू यू, बर्थडे कैप्स आपकी कोनिकल होती हैं, ठीक है, ये भी आप व्हेन यू इन चाइल्डहुड आपने यूज किए होंगे, ओके। एंड दीज ऑल शेप्स आर कॉल्ड कोनिकल शेप्स। आपका जो 9th क्लास में एक चैप्टर है कोन्स के बारे में है, कोन्स की सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर उसका वॉल्यूम। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सरफेस एरिया और से कर्व सरफेस एरिया और कोन। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या है? सरफेस एरिया का मतलब है, मैं अभी आपको ओपन करके भी इसको दिखाऊंगी। इफ दिस इज अ कोन, सरफेस का मतलब होता है उसकी सराउंडिंग, ओनली सराउंडिंग इज कॉल्ड द सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑल्सो। ओके, अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, डोंट सी द क्वेश्चंस, मुझे पता है वो आ जाएंगे आपको, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट आपको वो भी पता चल जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अभी आपके चैप्टर में आपको जो 9th क्लास का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, उसमें बिगनिंग में फर्स्ट आर्टिकल है आपका, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है इट इज अ राइट सर्कुलर कोन नेम लिखा हुआ है। हमने तो जो शेप देखी हुई है वो कोन की देखी हुई है, अभी राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। ओके, अभी राइट सर्कुलर कोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट से आपको पता चल रहा होगा कि राइट समथिंग शुड बी राइट ट्राइंगल रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल। ओके, सपोज आई हैव अ स्टिक ओवर हियर, इसके मैं राइट ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर देती हूँ, ब्लैक को रिमूव करना बीच में से मेरे वाले। This is a simple triangle. This is simple right angle triangle. I have made it here also. You can see very clearly. I have a right triangle on the stick. You can see very clearly. Okay. This is simple right triangle. अभी कोण ये बना ही नहीं है. ठीक है. The way I rotate it, the moment I rotate it like this, vigorously. ऐसे 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 रोटेट करूंगी, आपको मूविंग पोजीशन में लग रहा होगा कि ये सम कॉनिकल शेप है, आपको लग ही नहीं रहा कि वो एक ही साइड पे ट्राइंगल है, आपको लग रहा होगा कि दोनों साइड पे ट्राइंगल है। दोनों साइड पे ट्राइंगल गिव्स अस द इलस्ट्रेशन ऑफ अ कॉनिकल शेप, दिस इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन विच यू विजुअलाइज इन दिस। तो राइट कोन के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके ये राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, आपका जो कोन है जो कॉनिकल आपकी शेप बनेगी ऐसे, नीचे जो आपका ये सर्कल सर्कुलर शेप है ये वाली, इसका यहाँ पे सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं, सर्कल बना है तो सेंटर भी होगा, ठीक है। ये जो वर्टेक्स है, दिस इज वर्टेक्स, यू नो दिस इज वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से जो लाइन आ रही है जो कि परपेंडिकुलर है सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो परपेंडिकुलर है, इफ इट इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रही है, देन दिस टाइप ऑफ कोन इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। अभी सारे कोन ऐसे नहीं होते, बट सारे कोन राइट सर्कुलर नहीं होते, ठीक है, सिंपल कोन भी कई होते हैं। सिंपल कोन कैसे होते हैं, आपने मार्केट में देखा होगा चना चूर गरम वाली वो जो बनाते हैं ऐसे वाला, उसको बनाते हैं। दिस शेप इज नॉट, दिस इज ऑल्सो कोन बट दिस इज नॉट राइट सर्कुलर कोन, वाई, बिकॉज दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, ये कुछ और ही बन रहा है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस, कुछ छोटा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से थोड़ा कम बन रहा है। हैव यू कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट सर्कुलर कोन एंड सिंपल कोन? जब भी आपको क्वेश्चन में राइट सर्कुलर कोन दिया हो, आप बेधड़क बिना सोचे समझे ये 90 डिग्री यूज कर सकते हो, आप अपने आप बोल सकते हो क्योंकि आपने नाम क्वेश्चन क्वेश्चन में राइट सर्कुलर कोन लिखा था, तो ये 90 डिग्री होगा, डेफिनेटली होगा।
भी बताया क्वेश्चन में, यू राइट ऑन योर ओन की दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा हाँ ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल इन द, हाँ ठीक है, ये तो हुआ आपका डिफरेंस, ठीक है, कि राइट सर्कुलर कोन कैसे बना। अब आपका फॉर्मूला यूज होता है कि आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज होता है। ओके, आई हैव रिटन हियर दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ, अभी कर्व सरफेस एरिया कहाँ से बना है आपका? आई टोल्ड यू कि ये जो आपकी कॉनिकल शेप है, ठीक है, अभी आप मैथमेटिकल उसमें आ जाओ कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनिकल शेप्स, वी आर यूजिंग द कर्व सर्फेस एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्व सर्फेस एरिया इज द थिंग जो कि सर्फेस कर्व्ड हो रहा है। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं, आई विल गेट दिस काइंड ऑफ शेप। ओपन द टैप, आई विल गेट दिस काइंड ऑफ, इसको ओपन ओपन कोन भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन कोन। ओके, अभी ये ओपन कोन जो है इसका हमें ये है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में आपका क्या यूज होगा? ये पूरा एरिया यूज होगा जब मैंने इसको कोन को खोल लिया। कोई सर्कल नहीं दिख रहा आपको? देयर इज नो सर्कल। यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा था कि बॉटम पे उसके सर्कल है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है, बट व्हेन आई ओपन द कोन आई नीड नॉट बॉदर अबाउट द सर्कल, आई हैव टू सी ओनली कर्व सरफेस ऑफ कोन जो कि इसकी सराउंडिंग थी। ठीक है, सर्कल तो तब बनेगा ना कि अगर मैं इसको क्लोज करूं और मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि दिस इज अ सर्कल, सर्कल तो है ही नहीं है। आई डोंट हैव, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कर्व सर्फेस एरिया। तो कर्व सर्फेस एरिया का आपने जो फॉर्मूला लर्न किया है दैट इज पाई आर एल, बट पाई आर एल का मतलब क्या है, हाउ इट हैज कम, आई वॉन्ट टू शो यू। फर्स्ट दिस एरिया, ये जो आपको कोन का जो पार्ट दिख रहा है, जैसे आपका एक पिज्जा काटते हो आप, दिस इज पिज्जा सर्कुलर या फिर केक सर्कुलर है, आप उसको सेंटर से ऐसे काटते हो, जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, यू स्टार्ट, यू पुट द नाइफ इन दिस डायरेक्शन, देन यू कट इट इनटू पीसेस लाइक दिस, ऐसे ऐसे पीसेस कट करते हो, पिज्जा में भी काटते हो ऐसे ऐसे। तो ये क्या है सारे, ये सारे क्या बन रहे हैं? दीज आर ऑल ट्राइंगल्स इन साइड द सर्कल। ठीक है, अभी ये जो मैंने कोनिकल शेप ली है, कोनिकल शेप है तो मैं यहाँ पे पूरे सर्कल की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसके कुछ पार्ट की बात करूंगी। सपोज मैंने इतने पार्ट की इसकी बात कर ली कि यहां से लेके, सॉरी ओके, यहां से लेके यहां तक मैं इतनी इसकी सर्कल की बात कर रही हूँ। दिस बोर्ड इज क्लियर? इसको इधर करना थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट अरेंजिंग इट। फाइन, टॉकिंग अबाउट सर्कल, वी आर टॉकिंग अबाउट कोन। तो कोन में मैं एक आर्क की बात कर रही हूँ, कितना से पार्ट की मैं बात कर रही हूँ जो कि मेरे पास है। ठीक है, शेप आई कैन, इफ आई रिवर्स इट, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं बिकॉज मेरे पास ऊपर वर्टेक्स भी है। ठीक है, ये मेरे पास इतने सारे ट्राइंगल्स बन गए, कैन यू सी द होल कोन, होल सरफेस ऑफ कोन आई वुड से इज कन्वर्टेड टू सो मेनी ट्राइंगल्स। ठीक है, अभी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो बहुत सारे ट्राइंगल है, कौन सा हम ट्राइंगल ले रहे हैं? तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/2 इंटू B1 + B2 + B3, जितने भी इसके ट्राइंगल बन रहे हैं, यहाँ पे मेरे 1, 2, 3 बन रहे हैं, तो चलो मैं 3 लेती हूँ, आई विल नॉट गो अहेड। मैंने यहाँ पे 3 ले लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इंटू हाइट। अभी हाइट क्या चीज है? अगर मैं इसकी बात करूं, इस कोन की बात करूं, सर्फिस की बात करूं, तो इसकी हाइट क्या चीज है? टेल मी, हाइट इज दिस, इसका स्लांटिंग साइड। ठीक है, स्लांटिंग साइड को आप क्या बोलते हो? एल, हाइट ऑफ कोन इज कॉल्ड एल, ये आपने पढ़ा भी है फॉर्मूला में। सो हमारा ये जो बना B1 B2 B3, ये सब जो बना हमारे पास क्या है, वो ट्राइंगल्स के बेस है। ट्राइंगल्स का बेस का क्या मतलब है? ये सारे मैंने लिखा हुआ है B1 B2 B3, इसके नीचे लिखा हुआ है सी, जब मैं इन सबको ऐड कर रही हूं तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सबको प्लस करके इट इज बिकमिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। ओके, अर्लियर देवर ट्राइंगल्स विद बेस B1 B2 B3 एंड सो ऑन,
आई ज्वाइन लाइक दिस इट इज बिकमिंग बेस ऑफ सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस मीन्स बाउंड्री दैट यू नो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस. इट इज कॉल्ड यू कैन राइट इट एज 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू एन. सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होता है? हु विल टेल मी व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस? बेस क्या है? सर्कल. व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? एनीबॉडी? एवरीबॉडी नो? एवरीबॉडी नो? एनीबॉडी? या कम फॉरवर्ड, स्पीक लाउडली और इफ यू आर सिटिंग देयर. इट इज 2/40 नोज. इट इज 2 pi r. इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 pi r इंटू एल. सो टू डॉन कैंसल. इट इज इक्वल टू पाई आर एल, जो कि ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो हाउ दिस फॉर्मूला हैज कम? हु हैव अंडरस्टूड दिस? रेज योर हैंड. हु हैव कम टू नो कि पाई आर एल कहां से बना? यू शुड नो इट. अगर यू इफ यू नो द बेस, इफ यू नो द कंसेप्ट कि पाई आर एल कहां से बना, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. आपके सामने कोई भी फिगर आ जाए, आप उसको खुद बना सकते हो कि इसका फॉर्मूला ये होगा. यू शुड नो इन ब्रीफ कि ईच कोन का जो सरफेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू मेनी ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स के एरिया को जब हम प्लस करते हैं तो दैट बिकम्स द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. इज इट क्लियर? दिस इज पाई आर एल. नाउ वी देयर इज वन मोर फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया. अब उसकी भी बात करते हैं. लेट मी मूव अहेड. पाई आर एल फर्स्ट आपको समझ आ गया. दिस इज कॉल्ड सी एस ए. यू कॉल इट इन शॉर्ट फॉर्म. इट इज पाई आर एल. सी एस ए मीन्स ओनली द सराउंडिंग पोर्शन ऑफ द कोन. सराउंडिंग ओनली दिस पोर्शन. दिस पोर्शन आई शुड से सर्कल, नॉट सर्कल. दिस इज कॉल्ड लेटरल सर्फेस एरिया ऑल्सो. दिस इज कॉल्ड लेटरल सर्फेस एरिया. शॉर्ट सर्फेस एरिया मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगी. एंड गेट कंफ्यूज इन लेटरल एंड कर्व्ड. नाउ सेकंड फॉर्मूला इज टोटल सर्फेस एरिया. टोटल सर्फेस एरिया. अब टोटल सर्फेस एरिया को हम बोलते हैं टी एस ए. तो आप सोचोगे कि कोन का तो काम खत्म हो गया, अभी ये टोटल कहाँ से आ गया? टोटल में क्या रह गया हमारा? हमारा ये सर्कल रह गया. यू नो ये भी तो एक सरफेस है. सर्कल जो है इसका भी एरिया निकालना है. तो पाई आर एल के अंदर हमने क्या प्लस करना है टोटल सरफेस एरिया में? पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल जो उसके बॉटम पे था. वी कैनॉट इग्नोर इट. ओके बच्चे, सो व्हाट इज पाई आर एरिया ऑफ सर्कल? दैट यू नो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. एवरीबॉडी नोस आर विल बी कॉमन फॉर बोथ, क्योंकि एक ही कोन की बात हो रही है. एक ही कोन में एक ही रेडियस होगा. फाइन. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरा ये आपका ट्राइंगल प्लस उस वाला सर्कल, ये भी कर रहे हैं और ऊपर वाला भी कर रहे हैं. दिस इज कंप्लीट, यू कैन से कंप्लीट सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया में इफ वी टेक इट आउट पाई आर इज कॉमन, यू कैन फाइंड इट एल प्लस आर. सो चिल्ड्रन दे थिंक कि अरे इतना क्या करने की जरूरत है, वो तो हमें लाइक फॉर्मूला याद करेंगे तो अप्लाई कर देंगे क्वेश्चंस में. दैट विल बी इनकम्प्लीट नॉलेज. व्हाई? बिकॉज आपको वो 10th में भी आने वाला है ये टॉपिक, और 9th में तो जो आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तभी समझ आएंगे अगर आपको ये पता चलेगा कि हम क्वेश्चन में लेटरल की बात हो रही है या कंप्लीट कोण की बात हो रही है. ठीक है बच्चे, सजेस्ट टू यू. फाइन. वन मोर थिंग जो आपको नोट डाउन करनी है. इन द कोन, व्हेन वी ड्रॉ कोन, आपकी यूज होती है साइट एल. दिस इज एच जो कि आपके यहाँ पे यूज होती है, ओ है. दिस इज कॉल्ड एच. दिस इज कॉल्ड रेडियस आर. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन
ठीक है, मैंने आपको बताया था ये राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री एंगल जब भी बनता है आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है उसमें, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करोगे, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज अ मेजर रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर जो आपके क्वेश्चन में यूज होता है। हाँ इन सम हाँ क्वेश्चन दे आस्क फॉर एच, इन सम दे आस्क फॉर आर, इन सम दे आस्क फॉर एल, बट आप दो हाँ चीजें हमेशा दी होंगी, जब आपको ये निकालना होगा दो चीजें आपको गिवन होंगी, एक निकालनी होगी वो आपको इस रिलेशन से आएगी, एच निकालना है तो एच को अकेला छोड़ दो, आर निकालना है तो आर को अकेला छोड़ दो, एल निकालना है तो एल की वैल्यू डाल दो। एट क्लास में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इतना अच्छा चैप्टर किया है, सबको पता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो ऐसे करके आता है इसका, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जब आप एच और आर की वैल्यू डालोगे तो आपके पास उसका स्क्वायर रूट निकाल के एल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दीज ठीक है, आर द फॉर्मूला जो आपके में यूज हो रही है कोन के बारे में। ओके बेटे, एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस, क्योंकि अभी हम ऑडियो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, यू कैन नोट डाउन दीज क्विकली, ठीक है। दिस वन विद द फिगर, दिस वन विद द फिगर, एंड दिस वन आल्सो विद द फिगर, यू विल कम कि कैसा क्वेश्चन है और मेरे को कैसे परफॉर्म करना है। ओके बेटे, ओके ठीक मॉड्यूल लाओ, टुडे मॉड्यूल क्वेश्चंस आर वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस, व्हाई, बिकॉज ओनली वन कंसेप्ट इज यूज्ड, उनके बारे में सिर्फ उसी को ही हम यूज कर रहे हैं। ओके बेटे, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, ओपन योर बुक, शैल आई स्टार्ट विद, रेज योर हैंड, शैल आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, यस ऑल राइट, जस्ट क्लीनिंग इट सो दैट राइट, इफ यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग फ्रॉम द प्रीवियस आई कैन रिवर्स इट ऑल्सो, डोंट वरी, ओके फाइन। एमसीक्यू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द अदर, अभी कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है तो आपको पता है सिर्फ उसकी सराउंडिंग की बात हो रही है, हमारी सर्कल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। फॉर्मूला इज वेल नोन टू यू, कर्व सरफेस एरिया, अभी कर्व सरफेस एरिया को मैं सी एस ए लिखूंगी, ठीक है, लेकिन आप पूरा लिखो उसको, यू राइट कंप्लीटली, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन गिवन, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज इक्वल टू कर्व ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड। अभी आप सोचोगे ए टू क्या चीज है, ए टू है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन, ए वन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन, हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी ले सकते हैं बट आप कंप्लीटली लिखोगे इसको, ठीक है। अगर मैं पूरा पूरा लिखूंगी आपके फिर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे, दिस इज गिवन टू अस सो वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ठीक है। व्हाइल द स्लॉट हाइट ऑफ द लेटर लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, लेटर हु विल टेल मी, अनमोल सिंह, आई विल कॉल द नेम्स नाउ, अनमोल, ओके, गुलमोहर सेक्शन से बुला रही हूं मैं, गुलमोहर सेक्शन, वेयर आर यू सिटिंग, अनमोल आर यू प्रेजेंट, ओके अनन्या आर यू देयर, इफ यू डोंट वांट एनीबॉडी वांट्स टू टेल और शैल आई कंटिन्यू, आज मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ लगता है सब कुछ, कोई बात नहीं, यू कैन टेल मी द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज दैट इज पाई आर एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई आर एल, चीज है 2L है, यहाँ पे हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड की बात कर रहे हैं,
फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन। इसमें बता रहे हैं कि जो सेकंड कोन है उसकी जो लेटस वो है सॉरी स्लांटिंग हाइट है इट इज ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वन, फॉर्मर मीन्स पहले वाले का। तो मैंने यहाँ पे 2L लिख दिया L के बदले में क्योंकि इसका वो ट्वाइस है। तो ये टू कोन है, ये आपका फर्स्ट कोन है, ये आपका सेकंड कोन है। अगर दो कोन है आपके पास तो ऑफ कोर्स उनकी रेडियस भी अलग अलग होंगी, ये तो पता ही है, बात कर रहे हैं ठीक है। एक के मैं आर वन लिख रही हूँ, दूसरे को मैं आर टू लिख रही हूँ, रेडियस आर वन है, दूसरे का आर टू है। ओपन ब्रैकेट आई आर वन एल इज इक्वल टू 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 द फोर 4 पाई आर टू एल। आई एम डूइंग इट वेरी स्लोली ताकि आपको एक एक स्टेप उसका समझ आ जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा आप उसको नंबर्स को और वेरिएबल्स को इधर उधर कर रहे हो बस, ठीक है। यू कैन सी वेरी क्लियरली पाई कैन बी कैंसल फ्रॉम बोथ साइड्स, कैन बी कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स। स्टार्ट हाइट का रिलेशन दिया हुआ था तो हम एल वन एल टू तो नहीं लिख सकते, रिलेशन दिया हुआ था तो उसको एल को एल ही रहने दिया, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, आर वन बाय आर टू विल बी इक्वल टू 4 बाय 1, व्हाट विल बी द आंसर, 4:1। तो विच ऑप्शन इज मैचिंग, बी ऑप्शन इज देयर, यू कैन मार्क इट बी ऑप्शन। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया है और एल की जगह 2L लिखा है क्योंकि सेकंड वाले की हमें स्लांटिंग हाइट दी हुई थी कि वो फर्स्ट का ट्वाइस है। क्लियर बेटा, सेकंड क्वेश्चन। आज आपके सिर्फ दो ही क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं क्योंकि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये आपको समझ आ गया यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑफ कोन स्पेशली सरफेस एरिया एंड। ओके बच्चे, सो वी आर डूइंग सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, सेमी सर्कुलर शीट, बिना डायग्राम ड्रॉ किए तो वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है, कोई भी हो। आई टोल्ड यू इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो, जैसे ही आप उसको विजुलाइज करते हो डायग्राम बना के, आपका 50% चीजें आपको समझ आ जाती हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। सर्कुलर शीट है हमारे पास, उसका डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, डायमीटर इज कंप्लीट ही दैट यू नो, पूरी लाइन ही ये 28 सेंटीमीटर है। इंटू एन ओपन कोनिकल कर्व, ओपन कोनिकल कर्व, मैंने आपको क्या बताया था, ओपन मीन्स दिस काइंड, इसको आई कैन बेंड, इसको बोलेंगे ओपन। वर्ड्स के बारे में कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन का बता दिया, सिंपल कोन का बता दिया, ओपन कोन मींस दिस काइंड फ्लेक्सिबल, ठीक है बेटा। इट इज मेड इन ओपन कोन, इट इज ऑफ दिस काइंड, खुला है यहां से, ठीक है। एंड डेप्थ इन द कैपेसिटी ऑफ द कप, अब कैपेसिटी यू कैन कट, आज हम कैपेसिटी नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है बेटा। अभी इसमें हमने बात करनी है इसका सरफेस एरिया, वी हैव टू फाइंड द डेप्थ, सॉरी डेप्थ ऑफ दिस, कौन Me, आपको कोन के बारे में, मैंने सिर्फ एल के बारे में बताया है, एच के बारे में बताया है, आर के बारे में बताया है, डेप्थ कहाँ से आ गई, अभी डेप्थ का मीनिंग क्या है, हु विल टेल मी। तो निकालना है हमें, व्हाट इज डेप्थ ऑफ द कोन, यस दिस इज द हाइट, वी हैव टू फाइंड दिस हाइट, इसकी कितनी है,
ये जो मेरे पास फोन था इसकी कितनी है, इसके अंदर से कितना कितना है, ये कितनी डेप्थ, इसकी हाइट कितनी है। ओके फोन की कितनी हाइट है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्लांटिंग, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर शीट है, ठीक है, इस फोन की शीट है, एंड दिस डॉट, कैन यू सी दिस डॉट? यस, सेमी सर्कुलर, दिस डॉट इज द सेंटर, कन्वर्टेड इनटू कॉनिकल शेप। तो मैं क्या करूंगी, इसको रोटेट करूंगी, आई एम मेकिंग इट इन द कोन शेप। पहले मैं सिंपल था, ये सेमी सर्कल था, मैंने इसको बेंड करके एक कॉनिकल शेप में बना दिया है। टॉकिंग अबाउट हाइट ऑफ दिस कोन, हाइट मीन्स कि यहां से लेके यहां तक इसकी कितनी हाइट है। हाँ राइट, डी 48 सेंटीमीटर, हाँ 14 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सेक्शन 4 को म्यूट कर दो। ओके, डी इज गिवन टू यू 28 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन टू यू, गिवन टू यू मीन्स यू हैव फाउंड इट। आपको पता है रेडियस कैसे निकालते हैं, उसका हाफ करके निकालते हैं, ठीक है। अगर हम तो अपने आप सिर्फ सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ, कोन की बात नहीं कर रही। यहां से सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आएगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 पाई आर, दैट यू नो, पाई आर टू विल बी कैंसल्ड एंड इट विल बी पाई इंटू 14, दैट यू नो, दिस विल बी पाई इंटू 14 विल बी द सर्फेस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर शीट। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, मैं अभी कौन तक पहुंची नहीं हूं, ठीक है। ये जो शीट मेरे पास थी, मैंने इसका वो निकाल लिया, आपका वो निकाल लिया, सर्कमफ्रेंस निकाल लिया, क्योंकि मेरे को इसी को ही यूज करके बेंड करके वो बनाना है इसका कोण। तो जब मैंने कोण बना लिया, अभी कोण में स्लांट हाइट भी आ रही है, एच भी आ रही है, और नीचे सर्कल भी बन रहा है, कैन यू सी? तो अभी हमें सब कुछ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी सेमी सर्कुलर शीट हमारी इसमें यूज हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे अभी इसमें, जो आपको पता है कि इसका स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या है, एल ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, ओके, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। प्लीज नोट कर लेना, ये एमसीक्यू ये क्वेश्चन जो है, चाहे एमसीक्यू फॉर्म में है, बट बिना किए आपको ये समझ नहीं आएगा। सेमी सर्कल का एल क्या था, एल इज आप तो आ जाएगा, लुक हियर एवरीबॉडी, दिस इज सेमी सर्कल, इसका जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक, आधी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, हाफ ऑफ इट आपको दिख रहे हैं, कि ये जो हाफ ऑफ इट है, इसको मैंने जब कन्वर्ट किया इनटू अ कोन, तो ये कोन का क्या बन गया, पूरा जो उसका रेडियस था वो यहां हो गया, इसकी स्लांट हाइट बन गई है। ये मेरा डॉट यहाँ पे है, जो मैं ब्लैक डॉट दिखा रही थी, सेंटर ऑफ सर्कल, वो यहाँ पे है, ठीक है, वहां से लेके ये आपकी स्लांट हाइट बन गई है, इसलिए स्लांट हाइट इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है, हैज बिकम आर ऑफ द दिस सेमी सर्कल। ओके नाउ आप कि पाई आर एल जो है, पाई इंटू 20, पाई इंटू 14 जो है, इज इक्वल टू क्या चीज है, इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई आर ऑफ कोन, उनका जो सर्कल है, उनका जो सर्कल इसके इक्वल है पाई इंटू 14 के। तो ऑफ कोन में इसलिए लिख रही, ताकि आपको याद रहे कि ये कहाँ से आया, कि पूरा ये जो इसका सर्कमफ्रेंस था, सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस था वो
हो गया, इसके सर्कल में कन्वर्ट हो गया, में कन्वर्ट हो गया, पूरी की पूरी राउंड शेप जो है वो यहाँ पे आ। तो इसलिए मैंने लिखा कि आपका जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल था पाई इंटू 14, वो पूरा का पूरा उसका सर्कमफ्रेंस किस में कन्वर्ट हो गया, कोन के बेस के एरिया के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गया। एनी डाउट इन, पूरी की पूरी राउंड शेप जो है वो कोन का बेस बन गया, पूरी बाउंड्री हमारी कोन के जो सर्कल था उसका सर्कमफ्रेंस बन चुका है, विच इज 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, उसका फिक्स फॉर्मूला है 2 पाई आर। यस, आर समथिंग? आई कैन सी वन गर्ल हियर, यू वॉन्ट समथिंग? मैम इसको करना जरा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, अनम्यूट करना है इसको, सेक्शन टू को। मैम इसको ना, ये अनम्यूट हुआ हुआ है आपका सेक्शन टू, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, आपका वहां से ओके रखे। एनीबडी हां वांट्स टू आस्क एनीथिंग, रेज योर हैंड। द गर्ल हु केम फॉरवर्ड, यू वांट टू आस्क मी? आगे चले बेटा। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, यू कैन सी पाई कैन बी कैंसल्ड। हमारे किसके इक्वल आ गया, 14/2 के इक्वल, इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको कोन का एल भी पता है और आर भी पता है, वी नो एल ऑल्सो विच इज इक्वल टू हमारा 14 सेंटीमीटर था, और आर भी आपके पास आ गया विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ने क्या निकालना है, इसका डेप्थ निकालनी है, एच निकालना है। ठीक है, एच का फॉर्मूला लगा लो, मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज एच, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, व्हेन यू विल पुट द वैल्यू यू विल गेट इट 96 माइनस, इसका आंसर आएगा 147 स्क्वायर रूट। आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा हिंट, यू कैन कैलकुलेट निकालोगे। अब तो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है बेटा, जब उसको डेसिमल में निकालोगे इट इज कमिंग आउट टू बी 12.12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस कैलकुलेशन आई एम लीविंग इट टू यू, यू कैन कंप्लीट एट होम। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, 12.12 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट वी आर नॉट डूइंग, बिकॉज आज हमने कैपेसिटी के बारे में नहीं पढ़ा, हमने वॉल्यूम के बारे में नहीं पढ़ा, तो ओनली सरफेस एरिया की बात की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें हाइट की बात करें तो हाइट हमारे पास आ गई है 12.12, दैट्स इट, उसको मार्क कर लो, एंड कैपेसिटी यू कैन कट फुल, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, जब वॉल्यूम का क्वेश्चन करेंगे आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। ठीक है बच्चे, फाइन, असर्शन रीजन एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, क्योंकि केस स्टडी में फिर से थोड़ा सा मेजर पार्ट आएगा अंडरस्टैंडिंग का, आज इसको इतना ही अब्जॉर्ब कर लो, दैट इज मच मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आगे आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर आज का चैप्टर आप अच्छे से कर लो कंसेप्ट। ठीक है, असर्शन रीजन में आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट असर्शन इज अ राइट सर्कुलर कोन इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, इज इट ट्रू? मैंने आपको ये दिखाया था कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे बनता है, राइट सर्कुलर कोन कैसे बनता है जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, रीजन इज आपको टू बी राइट सर्कुलर कोन इफ द एक्सिस ऑफ द कोन इज परपेंडिकुलर टू द बेस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस? एक न्यू नेम आ गया, एक्सिस इज द हाइट, यू नो दिस हाइट इज कॉल्ड द एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं, अगर ये राइट एंगल पे है तो हम बोलेंगे कि दिस हाइट इज द एक्सिस ऑफ, तो ऑप्शन। चलो ऑल द बेस्ट, प्लीज रिवाइज दीज क्वेश्चंस ओनली।
नेक्स्ट टाइम। और ये जो है वो